Hello friends, and welcome back to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial, I am going to discuss about how to get a job in Bharat Biotech or Bharat Biotech International Limited. आज हम लोग बात करेंगे कि आप लोग कैसे भारत बायोटेक और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड में आप लोग कैसे जॉब पा सकते हैं या आप लोगों को कैसे यहां पे जॉब मिल सकती है. फ्रेंड्स, मेरा जो मोटिव है इन सभी वीडियोस का बनाने का और आप लोगों के साथ में डिस्कस करने का, सॉरी, वो ये है कि मैं आप लोगों को उन सभी इंडस्ट्रीज से अवेयर कराऊं जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी की कोर इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी की कोर इंडस्ट्री है हमारे इंडिया के अंदर. फ्रेंड्स, जो हमारे वेज हैं जॉब पाने के वो हमारे सेम रहेंगे इन सभी वीडियोज में, बट जो हमारी इंडस्ट्री होगी और जो वहाँ पे वर्क हो रहा है या उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट होगी. तो मेरा यही पर्पस है कि मैं आप लोगों को जितनी भी हमारी कोर बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज हैं उनसे मैं आप लोगों को अवेयर कराऊं, उनके बारे में मैं आप लोगों के साथ में इन्फॉर्मेशन को शेयर करूँ. तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, जो हमारी एक कोर बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, कोर बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है. तो आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जो हमारी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड जो है, इसको हम लोग भारत बायोटेक भी बोलते हैं और इसको हम लोग भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड भी बोलते हैं. तो इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है, ये इसके दो नाम हैं. नेक्स्ट, हम लोग ये जो है वैक्सीन प्रोडक्शन करती है और फ्रेंड्स ये जो है बायोथेरेप्यूटिक्स ये बनाती है. और फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि वैक्सीन को हम लोग जितनी भी हमारी डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ होती हैं उनको क्योर करने के लिए हम लोग वैक्सीन्स को यूज़ करते हैं और हम लोग अपने डिफरेंट टाइप्स के बायोथेरेप्यूटिक्स को हम लोग यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, इसके पास में 160 ग्लोबल पेटेंट्स हैं. और फ्रेंड्स, इसके पास इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये उनको सेल करती है 65 कंट्रीज में, ये उनको सेल करती है और उनकी मार्केटिंग ये करती है. नेक्स्ट, इसके पास में जो अप्रूवल्स हैं वो हैं USFDA से इसके पास में अप्रूवल है, इसके पास में KFDA से अप्रूवल है, इसके पास में WHO से अप्रूवल है. और इसका जो फ्रेंड्स हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है. और फ्रेंड्स, हैदराबाद में एक जगह है तुर्कापल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और फ्रेंड्स उसको हम लोग जानते हैं जिनोम वैली के नाम से भी उस जगह को. तो इसमें भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है. नेक्स्ट, इसके पास में 700 इम्प्लॉयज़ इसके पास में हैं और फ्रेंड्स इसके पास में रिसर्च साइंटिस्ट हैं बहुत सारे, इसके पास में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोफेशनल्स होते हैं हमारे या जो वर्कर्स होते हैं वो इसके पास में हैं. और इसके पास में वर्ल्ड क्लास इस इंडस्ट्री में या इस कंपनी में वर्ल्ड क्लास R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं. तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग R&D में काम करने की आप लोगों की विश है तो इसके लिए आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास में या तो मास्टर डिग्री होना चाहिए जैसे कि M.Tech इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स, या फिर आप लोगों के पास में PhD की डिग्री होना चाहिए. और फ्रेंड्स, या आप लोगों ने अगर अपना MSc कोर्स किया है और MSc कोर्स के तुरंत बाद भी आप लोग एज अ फ्रेशर स्टूडेंट जा सकते हैं R&D में, बट फ्रेंड्स ये आप लोगों के लिए मुश्किल होता है. तो अगर आप लोगों के पास में मास्टर डिग्री है और आप लोगों के पास में 3 to 5 years का एक्सपीरियंस है तो आप लोग R&D में आराम से जा सकते हैं, अगर इंडस्ट्री का आप लोगों के पास में 3 to 5 years का एक्सपीरियंस है आफ्टर योर मास्टर डिग्री. और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास में PhD डिग्री है तो आप लोग फिर डायरेक्ट R&D में जा सकते हैं. और M.Tech जो स्टूडेंट्स होते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, जो M.Tech स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी कई बार डायरेक्ट R&D में रिक्रूट किया जाता है. MSc बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट को एक्सपीरियंस जो है वो बहुत वहाँ पे मैटर करता है R&D में जाने के लिए. बट अगर आप लोगों ने अपना M.Tech और अपना MSc कोर्स किसी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन से किया, लाइक आप लोगों ने IIT से किया, NIT से किया, तो आप लोगों के लिए फिर R&D में जाना वहाँ पे ईजी हो जाता है. तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई R&D की. और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं, इसके फाउंडर हैं कृष्णा इला हैं डॉक्टर कृष्णा इला, सॉरी, और यही इसके चेयरमैन एंड MD भी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं. और ये जो इंडस्ट्री इन्होंने बनाई थी, ये जो फाउंड की थी इन्होंने इंडस्ट्री, ये इन्होंने 1996 में की थी और जैसे मैंने बताया हैदराबाद में है. और फ्रेंड्स, जो डॉक्टर कृष्णा इला है इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. ये फॉर्मर रिसर्च फैकल्टी रहे हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना के, ठीक है. और फ्रेंड्स, इन्होंने PhD किया है
और इन्होंने पीएचडी जो किया है वो किया है यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन से इन्होंने किया है। नेक्स्ट ये रिसर्च साइंटिस्ट हैं इन मॉलिकुलर बायोलॉजी में और फ्रेंड्स इनका जो इंटरेस्ट है वो मॉलिकुलर बायोलॉजी में ही है। तो ये इसके फाउंडर हैं और इसके चेयरमैन हैं और इसके एमडी भी यही हैं। तो फ्रेंड्स जो ये जो भारत बायोटेक इंटरनेशनल जो इंडस्ट्री है या जो कंपनी है इसके जो कॉन्टैक्ट हैं वो फ्रेंड्स हैं सीएसआईआर के साथ और सीसीएमबी के साथ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो जो हमारा जो प्रोग्राम होता है हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमारा होता है आप मैंने बीसीआईएल के बारे में आप लोगों को बताया है अपनी एक वीडियो में। तो बीसीआईएल जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है बीसीआईएल के थ्रू जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोटेक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, इन शॉर्ट हम लोग इसको बोलते हैं बीआईटीपी। तो फ्रेंड्स ये इस प्रोग्राम को भी सपोर्ट करता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पर ईयर ये बीआईटीपी जो प्रोग्राम है जो बीसीआईएल का एक प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के थ्रू ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है बहुत सारे बैचलर स्टूडेंट्स को मास्टर स्टूडेंट्स को ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है जो लोग बीसीआईएल में अप्लाई करते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारे स्टूडेंट्स होते हैं या हमारे बायोलॉजिकल डोमेन से रिलेटेड हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे बीआईटीपी जो बीसीआईएल का एक प्रोग्राम है उसके थ्रू जाके वो लोग वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। और फ्रेंड्स ये बीसीआईएल का जो प्रोग्राम है बीआईटीपी उसको ये एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और ये उसको सपोर्ट भी करता है और एक्सेप्ट भी करता है तो इसमें भी आप लोगों को बिल्कुल भी टर्मिनोलॉजी में कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं करंटली जो यहाँ पे रिसर्च चल रही है अभी फिलहाल और फ्रेंड्स इसके बहुत सारे रिसर्च पेपर भी हैं बहुत सारे जर्नल्स भी हैं ठीक है इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो हैं और बहुत सारे लोग जो रिसर्च करते हैं वो अपनी रिसर्च को पब्लिश भी कराते हैं बहुत सारे रिसर्च पेपर भी इस इंडस्ट्री से आते हैं। और फ्रेंड्स जो करंटली यहाँ पे जो रिसर्च चल रही है वो चल रही है बायो एंटीबायोटिक्स पे अभी फिलहाल आरएनडी में जो रिसर्च यहाँ पे चल रही है करंट में वो चल रही है बायो एंटीबायोटिक्स पे वो चल रही है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोबायोटिक्स पे वो चल रही है लाइसो स्टेशन पे वो चल रही है रिकॉम्बिनेंट स्टेफेलो काइनेज पे। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे रिसर्च अभी करंट में चल रही है इससे भी मैं आप लोगों को अपडेट करा देता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं ये जो लोग रिसर्च के थ्रू जो ये लोग वैक्सीन्स प्रोड्यूस करते हैं उन वैक्सीन्स के नाम हम लोग यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उन वैक्सीन्स के जो नाम है जो वैक्सीन ये इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है जो कंपनी ये वैक्सीन प्रोड्यूस करती है वो है यहाँ पे चिकुनगुनिया और फ्रेंड्स रोटा वायरस मलेरिया रेबिस स्टेफलोकोकस ओरियस ये सभी जो वैक्सीन्स हैं ये इंडस्ट्री बनाती है ये कंपनी बनाती है और ये इंडिया की एक रेपुटेटेड वैक्सीन प्रोडक्शन कंपनी है। और फ्रेंड्स इसका जो नेम है वो टॉप 5 इंडस्ट्री में आता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए वैक्सीन प्रोडक्शन में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एकेडमिक पार्टनरशिप की इसकी जो एकेडमिक पार्टनरशिप है वो है जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ। और फ्रेंड्स इस पार्टनरशिप के थ्रू इस एकेडमिक पार्टनरशिप के थ्रू ये जो इंडस्ट्री है ये जो कंपनी है वो फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को एमटेक और पीएचडी प्रोग्राम जो परस्यू करते हैं उनको बहुत हेल्प करती है और यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना एमटेक और अपना जो पीएचडी है वो परस्यू करते हैं क्योंकि ये एक एकेडमिक रिलेशन या एक एकेडमिक पार्टनरशिप रखती है जे जो हमारा जेएनटीयू है उसके साथ में। तो इस ये भी आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ये जो और फ्रेंड्स इसका जो पैचअप है वो मैंने आप लोगों को बताया डीएसटी के साथ में है जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। और फ्रेंड्स इसका जो पैचअप है वो डीबीटी के साथ में है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। तो फ्रेंड्स ये इनके साथ में वर्क करती है इनके साथ में इसका पैचअप है। अब हम लोग बात करते हैं कि वो कौन से वेज हैं जिन वेज के थ्रू आप लोग इस इंडस्ट्री में जॉब पा सकते हैं और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी इन सभी वेज के बारे में आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है तो एक बार और मैं आप लोगों के साथ में अपनी इस वीडियो में डिस्कस कर देता हूं। और फ्रेंड्स क्योंकि ये वेज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं वेज के थ्रू आप लोग जो है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जॉब पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स बात करते हैं फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे वे है वो है हमारा ऑनलाइन जॉब साइट्स जैसे नौकरी.com जो है या जो हमारी अदर जो ऑनलाइन जॉब साइट्स हैं उनके थ्रू आप लोग इस इंडस्ट्री में या इस कंपनी में जॉब पा सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग ओपन इंटरव्यू के थ्रू जॉब पा सकते हैं अगर आप लोग फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आप लोगों के लिए जो सबसे अच्छा जो रास्ता है सबसे अच्छा जो आप लोगों के लिए वे है इस इंडस्ट्री या इस
कंपनी में जॉब पाने का, वो है ओपन इंटरव्यू। ओपन इंटरव्यू में कोई भी स्टूडेंट जा सकता है, और फ्रेंड्स उसमें ये मैटर नहीं करता कि उसमें एक्सपीरियंस वाला स्टूडेंट वो है या वो वहाँ पे फ्रेशर एक स्टूडेंट है या फ्रेशर वो एक कैंडिडेट है। तो आप लोगों के लिए ज़्यादा जो चांसेस हैं जॉब पाने के इस इंडस्ट्री में, वो ओपन इंटरव्यू है अगर आप लोग फ्रेशर कैंडिडेट हैं। और बहुत सारे फ्रेशर कैंडिडेट के सामने ये एक प्रॉब्लम होती है कि ज़्यादातर जो अच्छी अच्छी जो बायोटेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, वो 1 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस वहाँ पे उसकी डिमांड करती हैं, उसको वहाँ पे कंपलसरी करके रखती हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग कोशिश करें कि आप लोग ओपन इंटरव्यू के थ्रू आप लोग जाने की कोशिश करें, और ओपन इंटरव्यू के बारे में आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को कैसे पता चल सकता है ओपन इंटरव्यू के बारे में। तो फ्रेंड्स उसके लिए आप लोगों को जो कॉन्टैक्ट पर्सन है वहाँ पे, अगर आप लोगों का किसी से कॉन्टैक्ट है, आप लोगों के रिलेशन में या आप लोगों का कोई फ्रेंड वहाँ पे पहले से वर्क कर रहा है, तो आप लोग उससे ओपन इंटरव्यू के बारे में वहाँ के जान सकते हैं, उसकी डेट के बारे में आप लोग जान सकते हैं कि कब वो डेट है जब आप लोगों का वहाँ पे ओपन इंटरव्यू हो सकता है। नेक्स्ट आप लोग जो हैं, जैसे मैंने बताया कॉन्टैक्ट पर्सन के थ्रू, ये हमारा तीसरा यहाँ पे वे है, कॉन्टैक्ट पर्सन के थ्रू आप लोग जा सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई कलीग, कोई बैचमेट, कोई फ्रेंड या आप लोगों का कोई सीनियर वहाँ पे पहले से वर्क कर रहा है, तो वो आप लोगों को अपने रिफरेंस के थ्रू वहाँ पे जॉब दिला सकता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा यहाँ पे थर्ड हमारा एक तरह से वे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कंसल्टेंसी के थ्रू, बहुत सारी कंसल्टेंसी आप लोगों को जॉब दिलाती हैं, और फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए कंसल्टेंसी जो है वो बहुत हेल्प करती हैं। और कंसल्टेंसी का जो सीधा जो कॉन्टैक्ट होता है वो उस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के या उस एक पर्टिकुलर कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से होता है, और फ्रेंड्स उस एक कॉन्टैक्ट के थ्रू या उस एक रिलेशन के थ्रू वो आप लोगों को वो एक पर्टिकुलर कंसल्टेंसी वहाँ पे जॉब प्रोवाइड करा सकती है। तो आप लोग कंसल्टेंसी के थ्रू जा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। हर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की या हर एक पर्टिकुलर कंपनी की एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है, उस ऑफिशियल वेबसाइट पे एक करियर का ऑप्शन दिया रहता है। उस करियर के ऑप्शन में अगर वहाँ पे कोई वैकेंसी है तो आप लोग उसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं, अपना जो आप लोगों का रिज्यूमे है उसको आप लोग वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो अगर उस इंडस्ट्री या उस कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी तो वो आप लोगों को कॉल जरूर करेगी, आप लोगों को बैक कॉल वहाँ पे जरूर आएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट मेल। आप लोग एचआर डिपार्टमेंट या कंपनी का एक डायरेक्ट मेल होता है, आप लोग उस पर भी जॉब के लिए वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उस पर भी आप लोग मेल कर सकते हैं उन लोगों को, और फ्रेंड्स मेल का आप लोगों को वहाँ पे रिप्लाई आएगा अगर उस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को या उस एक पर्टिकुलर कंपनी को आप लोगों की रिक्वायरमेंट है। अगर रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं होगी या वैकेंसी वहाँ पे नहीं होगी तो फ्रेंड्स मेल का आप लोगों को रिप्लाई नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये भी क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे अगर आप लोगों ने NIT से या IIT से या किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन से आप लोगों ने अपना MTech बायोटेक्नोलॉजी कोर्स किया है, या आप लोगों ने अपना MSc बायोटेक्नोलॉजी कोर्स किया है, IIT जैम एग्जाम के बाद आप लोग अपना MSc बायोटेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं IIT से NIT से आफ्टर कंप्लीट योर BSc कोर्स। और फ्रेंड्स MTech कोर्स आप लोगों को पता है कि आप लोग अपने BTech कोर्स के बाद गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम या गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम के थ्रू आप लोग IIT या NIT से कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से अपना MTech या अपना MSc कोर्स किया है, रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन से किया, लाइक IISC से या फ्रेंड्स IIT से NIT से, तो आप लोगों को इस टाइप की जो इंडस्ट्री है वो डायरेक्ट रिक्रूट करती है, डायरेक्ट आप लोगों को जॉब प्रोवाइड करती हैं। भले ही आप लोग वहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट क्यों, भले ही आप लोग वहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट हों, आप लोगों को सॉरी वो इंडस्ट्री डायरेक्ट रिक्रूट करती हैं, क्योंकि उन सभी को पता होता है कि आप लोग उस एक इंस्टीट्यूट से आप लोग आए हो जिसका इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा नाम है और उसकी बहुत ही वहाँ पे रेपुटेशन है और उसका बहुत अच्छा रिकॉग्निशन वहाँ पे है। तो फ्रेंड्स आप लोग एक अच्छा टैग लेके IIT का, NIT का या IISC का, तो आप लोग इस टाइप की इंडस्ट्री में जॉब आप लोगों को मिलना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये भी एक वे हो सकता है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इस टाइप की जो इंडस्ट्री हैं वो इसलिए जॉब प्रोवाइड नहीं कराती क्योंकि वो लोग फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग जो हैं पहले किसी भी एक छोटे प्लांट या किसी भी एक डोमेस्टिक प्लांट में आप लोग 1 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोग गेन करें, क्योंकि इस टाइप की जो इंडस्ट्री होती है वो आप लोगों को जनरली, आप लोगों ने भी देखा होगा जब आप लोग सर्च करते हैं गूगल पे या आप लोग ऑनलाइन कहीं पे सर्च करते हैं जॉब के लिए, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस टाइप की जो इंडस्ट्री है वो 1 to 2 ईयर के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट करती है। तो ये एक्सपीरियंस आप लोग कहाँ से ले सकते हैं, ये एक्सपीरियंस आप लोगों को उन्हीं सभी छोटे जो हमारे डोमेस्टिक प्लांट होते हैं वहीं से आप लोगों को मिलेगा। और फ्रेंड्स वो डोमेस्टिक प्लांट
कौन कौन से हैं इंडिया के अंदर, या वो छोटी इंडस्ट्री कौन कौन सी हैं बायोटेक्नोलॉजी की इंडिया के अंदर जो आप लोगों को एज अ फ्रेशर कैंडिडेट डायरेक्ट आप लोगों को रिक्रूट करती हैं, या आप लोग वहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ में इन डिटेल अपनी आने वाली वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये बार बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर रहे हैं, चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज पे, चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर उन सभी डोमेस्टिक प्लांट्स के बारे में बताइए जो हमें एज अ फ्रेशर कैंडिडेट इजिली वहाँ पे रिक्रूट कर लें, हम लोगों को इजिली वहाँ पे हायर कर लें। तो फ्रेंड्स उन्हीं के बारे में मैं अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं डिस्कस करूँगा, और हम लोग इन डिटेल एक पर्टिकुलर वीडियो में उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, उन सभी इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और इन सभी वीडियोस से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप लोगों के मन में कोई डाउट है, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ, चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ, जिसकी लिंक मैं हमेशा आप लोगों को अपने सभी वीडियोज़ के कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में भी आप लोगों को ऐसी वीडियोज प्रोवाइड कराता रहूँ, ऐसी आप लोगों को अवेयर कराता रहूँ, तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और इन सभी वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, अपने बैचमेट्स को, अपने कलीग्स को, अपने जूनियर्स को, और आप लोग ऐसे ही मेरे साथ में चिकीज बायोलॉजी चैनल पर बने रहें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।